हम शुरू करते हैं यूनिट 2 से। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। सबसे पहले हम ये देखना है कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते किसी चीज़ किस चीज़ पर है। हम लेते हैं एक फंक्शन एफ इन टी, हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर लेट से कि हम एक टी में फंक्शन लेते हैं, तो लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन इन टी डिफाइन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय लाप्लास, यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, एफ ऑफ टी यानी फंक्शन इन टी, इसको हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, इसको हम, और इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है ये एफ एस होता है हमारा, तो यानी कि जिसका रिजल्ट आता है फंक्शन इन एस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात कन्फ्यूजन हो गई कि एस क्या होता है। यहाँ पे एस को हम लेते हैं एक पैरामीटर जिसकी वैल्यूज रियल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। अब लाप्लास के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसमें कोई रूल नहीं है, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, और सारे फॉर्मूलाज इसी फॉर्मूले से डराइव हैं, कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा पेपर में, जस्ट आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। जैसे पहला हो गया हमारा लैपलास ऑफ वन, ये होता है हमारा वन ओवर एस। सेकेंड हमारा आ गया लैपलास ऑफ टी टू द पावर एन, एन इज जो कि होता है हमारा एन फैक्टोरियल ओवर एस टू द पावर एन प्लस वन। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे लैपलास ऑफ टी स्क्वायर ले लिया हमने, यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई टू, यानी टू फैक्टोरियल ओवर एस टू द पावर टू प्लस वन, यानी कि टू ओवर एस क्यूब। अब आते हैं हम अगले फॉर्मूले पे, ये होता है हमारा लैपलास ऑफ ई टू द पावर ए टी, यानी कि ये होता है हमारा वन ओवर एस माइनस ए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, लैपलास ऑफ ई टू द पावर टू टी, ये होता है हमारा वन ओवर एस माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे हम ए को टू से रिप्लेस कर दिया और फॉर्मूले में सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम ई टू द पावर माइनस ए टी पे, जो होता है वन ओवर एस प्लस ए, यानी यहाँ पे माइनस ए और यहाँ पे प्लस ए। फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, जैसे साइन और कॉस आ गए, ये होता है लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर हमारे हाइपरबोलिक फंक्शंस आते हैं, जैसे साइन हाइपरबोलिक हो गया और कॉस हाइपरबोलिक हो गया, इसके सिर्फ दो ही होते हैं, जैसे हाइपरबोलिक है तो लाप्लास ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सबसे आसान तरीका इनको याद रखने का है, जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जैसे साइन और कॉस हो गए, तो इसमें याद रखने की बात है कि इनके डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, और जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इनके डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। और एक और आसान हिंट, जैसे जो साइन है, चाहे वो साइन हाइपरबोलिक है या साइन नॉर्मल ले लें, ये हाइपरबोलिक लिया है हमने, उसके न्यूमरेटर में ए ही आएगा हमेशा, ये नोटिस करने वाली बात है। जैसे कॉस नॉर्मल है और कॉस हाइपरबोलिक है, इनके न्यूमरेटर में एस ही आएगा, ये आपको नोट करना पड़ेगा और ये आसान तरीका इसे याद कर रखने का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही बस।